त्यून सरयून किसान एवं श्रमिक कल्याण सभा हरलोक की बैठक बरेड़ी में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने की। बैठक में क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बरेड़ी स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील करने के लिए लोगों ने मांग उठाई और सर्वसम्मति से इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया। इस मौके पर आशीष ठाकुर ने बताया कि 8 अक्टूबर 1986 को इस उपकेंद्र का शिलान्यास किया गया था। आज 33 वर्षों का एक लंबा समय बीत जाने के बावजूद इस उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील नहीं किया गया। आशीष ठाकुर ने बताया कि इस उपकेंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए पाल्टी, बरड़ी, डुगली, निहान, मसवाड़, जुखान, भड़ोल, भंगलेड़ा, कासी, नरवाणी, तुड़वी, तंथा गांव के लोग पहुंचते हैं, पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र न होने की वजह से लोगों को टैक्सियों का सहारा लेकर हरलोक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का रुख करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर पहले भी कई बार आवाज बुलंद हो चुकी है, पर सरकार ने आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आशीष ठाकुर ने बताया कि भवन की स्थिति दिन प्रतिदिन खस्ता होती जा रही है। कई वर्षों से इस भवन की मरम्मत नहीं हो पाई है। आशीष ठाकुर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि लोगों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर लेकर जल्द से जल्द इस स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील किया जाए और इस जर्जर भवन की मरम्मत के लिए आदेश जारी किए जाएं। आशीष ठाकुर, मैं त्रयोन सरयोन किसान एवं श्रमिक कल्याण सभा का अध्यक्ष हूं। सदर विधानसभा क्षेत्र के हरलोक पंचायत के बरड़ी गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र काफ़ी समय से चल रहा है। आज जो इस स्वास्थ्य उपकेंद्र की जो स्थिति है वह नाजुक बनी हुई है। जो इसका भवन है ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। हमने प्रदेश सरकार से आज से पहले भी मांग की थी कि इस उपकेंद्र की जो मेंटेनेंस है वह करवाई जाए। साथ में जो ये हमारा उपकेंद्र है इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर तब्दील किया जाए, क्योंकि जो ये बरड़ी क्षेत्र है इस उपकेंद्र में लगभग 8 से 9 गांव के लोग अपने प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि इसके बाद लगभग 11 किलोमीटर दूर तल्याणा के अंदर ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिस वजह से लोगों को आज जो स्वास्थ्य की उचित सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं हो पा रही हैं। आज हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से विनम्र निवेदन रहेगा और मांग रहेगी कि बरड़ी स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर तब्दील किया जाए और साथ के साथ जो इसकी जो बिल्डिंग है जिसकी हालत आज जर्जर हो चुकी है उसका रखरखाव ढंग से करवाया जाए। जय हिंद, जय भारत। इस मौके पर पूर्व बीडीसी सदस्य नागेंद्र चंदेल, रतन सिंह, करमचंद, ओमकार सिंह, बिमला देवी, बर्फी देवी, बीना कुमारी, सुशीला देवी, सारा देवी, सुनीता कुमारी, आशीष चंदेल, मनीष चंदेल, आदित्य चंदेल, रोहित चंदेल, ऋषभ धीमान, जयकर्ण, जतिन व अन्य लोग उपस्थित रहे।